जब भी नेता चुनाव में खड़े होते हैं, कहते हुए सुनने को मिलता है कि जल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य आदि बुनियादी सुविधा हम देंगे। जितने के बाद जीते हुए नेता प्रयास तो करते हैं, लेकिन उनके प्रयास से शायद सफलता नहीं मिल पाती है और इसी के अभाव में क्षेत्रवासी अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। वोट देकर जिताना किसी काम में नहीं आना, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ग्रामीण ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि जीते हुए नेता क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं, भ्रमण करने के बावजूद ये दशा देखने को मिलती है। ताजा मामला झारखंड के रांची जिले के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का है। पिछले 10 दिन पूर्व हुए बारिश से सड़क कीचड़ गादों में तब्दील हो गई है। आवाजाही करने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सिल्ले विधानसभा क्षेत्र सोनाहातू प्रखंड की ये सड़क दुलमी से मानकीडीह भाया महुलडीह को जोड़ती है। यहाँ के ग्रामीण पूर्व विधायक अमित महतो और वर्तमान विधायक सुदेश कुमार महतो से काफी नाराज है। का कहला लोहरा सेता उ सुदे कखन सुनुक आर अमित सुनुक अमित सुनुक आर सुदेश सुनुक जे केसन रोड के सेता उ देखी है नहीं देखे सही तो कहू एहे देख एहे यहां अपना अपना जो भी चली एखन तो फिर पूरा बरसात आए ना के पूरा बरसात आएला तो कितना कीचड़ हो जाए इतना इतना जो भी खुखड़ी गिला सब मरी जान, छागर गिला सब मरी जान, भारत भारत के गोदू गिला यह रखकर बारी चाहे कोई। सिले विधानसभा क्षेत्र से सुदेश कुमार महतो 4 बार विधायक बने, सड़क निर्माण मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, बावजूद सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की कुछ सड़कें नहीं बन पाई है। इसी तरह कादों की छोड़ से तब्दील सड़क में लोग आवाजाही करने को विवश है। क्षेत्र के विकास को लेकर वर्षों से अमित महतो और सुदेश महतो के बीच चुनाव में कांटे की टक्कर होती है, लेकिन ये दुर्दशा देखकर यही कहा जा सकता है कि राजनीति तो राजनीति की ही होती है। उसके बाद में दो साल तक सीमा महतो के कार्यकाल रहे, इसे भी हमने ये मौका नहीं दिया कि ये गलत करे। हम ना गलती करते हैं ना गलती करने वालों को बचते हैं, हम ना गलत पर पर्दा डालते हैं बल्कि पर्दाफाश करते हैं। ये गरीब के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये 5 साल तक जो सिल्ली कहां पहुंचता, सिल्ली का विकास कहां पहुंचता, सोनाहातू कहां पहुंचता, ये सोनाहातू के साथ खिलवाड़ किया है। सोनाहातू के विकास को अवरुद्ध किया है। इसका सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोल दो कि सेवा लेने वाला नेता नहीं, सेवा देने वाला नेता चाहिए, चाहिए कि नहीं? सेवा ले वाला नेता चाहिए कि देने वाला चाहिए? देने वाला चाहिए। बोल दो कि सेवा देने वाला नेता चाहिए, सेवा लेने वाला नेता नहीं। और सेवा देने वाला आपका बेटा है सुदेश महतो ने कहा, ये मेरा परिवार है और सुदेश महतो इस परिवार का सेवा करना चाहता है, जिस सेवा करना चाहता है। जमीनी स्तर की वास्तविकता कुछ अलग ही बयां कर रही है। हालांकि इधर इसकी सूचना पर सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो ने सड़क का जायजा लिया और उन्होंने वोट लेकर जीतने वाले नेताओं को तंज कसा है। देंगे टैक्स देंगे, मेरा रोड नहीं होगा तो कोई भी सरकारी पदाधिकारी और कोई भी यहाँ जनप्रतिनिधि को यहाँ हम लोग घुसने नहीं देंगे। सबको हम मरे चाहे जिए, हम मर जाएंगे, जी के क्या करेंगे, मेरा रोड नहीं रहेगा तो। क्योंकि रोड ही साधन है अच्छा शिक्षा का, रोड ही साधन है बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल पहुंचने का, रोड ही साधन है अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना कृषि काम चाहे जो भी काम करने का। और मेरे पास रोड ही नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा बच्चा लोग डूब जाएगा। बहुत कोई बता लो यहाँ कादों में हमारे मुर्गी मर गए, बत्तख मर गए, भेड़ा मर गए, बकरी मर गए।